नमस्कार साथियों, दिल्ली की सीमा पर बैठे लाखों किसानों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश में किसानों से वार्तालाप का ढोंग और प्रपंच कर रहे हैं। सच्चाई यह है साथियों कि हिमालय की चोटी से भी ऊंचे अहंकार में डूबी मोदी सरकार के हाथ 24 अन्नदाताओं के खून से सने, जो किसान 21 दिन से हाड़ तोड़ती सर्दी में लाखों की संख्या में राजधानी दिल्ली के चारों ओर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाने को आमादा है। मोदी सरकार को किसान से छल, कपट, ढोंग और प्रपंच बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, तीन खेती विरोधी काले कानूनों की दीवारों की दरार को सरकारी दुष्प्रचार और झूठे इश्तहारों से ढकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन काले कानूनों के क्रूर प्रहार से पहली बार देश के किसानों पर वार किया हो। सत्ता संभालते ही एक के बाद एक मोदी सरकार ने पूंजीपतियों पर सारे संसाधन वार कर किसानों पर प्रहार किया है, और आज देश को यह जानना आवश्यक है। पहला वार 12 जून 2014 का यह पत्र है, जब मोदी सरकार ने सारे राज्यों को पत्र लिखकर फरमान जारी किया कि अगर किसानों को फसल पर बोनस दोगे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसल की खरीद उन राज्यों से नहीं करेगी। यह पहला वार था। दूसरा वार दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून को खत्म करने के लिए अध्यादेश लेकर आई। 50% मुनाफा कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे बड़े बड़े व्यापारियों के बाजार भाव बिगड़ जाएंगे। मैं एक लाइन उस शपथ पत्र की पढ़कर बताऊंगा। इट इज रीआइट्रेटेड दैट एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय सीएसीपी ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कंसिडरिंग variety of relevant factors, hence prescribing an increase of at least 50% on cost may distort the market. ये कहा कि बाजार खराब हो जाएगा। चौथा वार 2016 के खरीफ सीजन में बड़े शानो शौकत से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। उसकी सच्चाई यह है साथियों के 2016 से 2019 तक जितना बीमा प्रीमियम दिया गया उस पर 26,000 करोड़ रुपया इन बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया। यह किसान बीमा योजना नहीं, यह प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई। पांचवां वार आज मोदी जी खेत के कर्ज के लोन वेवर की चर्चा कर रहे थे, पर जून 2017 में संसद में मोदी जी के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि भारत सरकार किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकती, एक फूटी कोड़ी की राहत किसान की कर्ज माफी की नहीं दे सकती। यूपीए कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, पर मोदी जी नहीं देंगे। 3,75,000 करोड़ मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। विजय माल्या और छोटे मोदी नीरव मोदी का कर्ज माफ होगा, पर देश के अन्नदाता किसान का नहीं। और छठा वार प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि 6000 रुपया किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं, पर ये नहीं बताते कि पिछले 6 सालों में 15000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त टैक्स किसान पर लगा दिया, 25 रुपया लीटर तो अकेले डीजल के दाम में वृद्धि कर दी, डीजल के अलावा कीटनाशक से लेकर ट्रैक्टर से लेकर खाद से लेकर पहली बार देश के इतिहास में 5% से 18% तक जीएसटी लगा दिया, और इस प्रकार 15000 रुपया प्रति हेक्टेयर उसकी जेब से निकाल लिया। एक तरफ आप किसानों की पॉकेट मार रहे हैं और दूसरी तरफ ऑटो का भाड़ा देने का स्वांग रच रहे हैं। और साथियों, इन 3 काले कानूनों के परिणाम, दुष्परिणाम तो मध्य प्रदेश की मंडियों से ही आने लगे हैं, और उन मध्य प्रदेश की मंडियों के कागज आज हम आपके पास लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री आज जब मध्य प्रदेश की किसान को संबोधित करने का स्वांग रच रहे थे, तो काश वो मध्य प्रदेश की मंडियों का हाल तो जान लेते। मध्य प्रदेश में 269 सरकारी कृषि उपज खरीद मंडियां हैं। इस कानून वाटर कैनन नहीं चलाया, सड़कें नहीं खोदी, मंत्रिमंडल समूह ने बात की और हल निकाला। हमारे पास 402 सांसद थे, आपके पास 307 हैं। कांग्रेस के पास संपूर्ण बहुमत था जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, हमने हमारे विरोधी होते हुए भी उनको रामलीला ग्राउंड से कांग्रेस का विरोध करने का अख्तियार दिया। पहली बार 73 साल के इतिहास में देश का अन्नदाता किसान, जिसका बेटा देश का जवान है, आपने चुनी हुई सरकार ने क्रेन लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग खोद दिए, खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने मिलकर वहां बोल्डर्स और वहां सीमेंट और बजरी के ट्रक उल्टा दिए, किसान ने सड़कें नहीं रोकी हुई, ये सड़कें मोदी सरकार ने रोक रखी हैं। किसान तो शांति प्रिय तरीके से दिल्ली के अंदर आकर अपना विरोध जताना चाहता है, क्या बिगड़ जाएगा मोदी जी अगर वो रामलीला ग्राउंड या फिर जंतर मंतर या राजपथ पर बैठ जाएंगे? ये राजपथ पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जो आप बैठे हैं ना, ये उस किसान की बदौलत बैठे हैं, और जिस दिन देश का अन्नदाता किसान और उसका बेटा जवान दोनों सामने खड़े हो गए, तो सत्ता की अट्टालिकाओं में बैठे लोगों को धराशायी होने में देर नहीं लगती। सर, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कानून लागू हुए 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद विपक्ष जो है वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर जो है किसानों को भड़का रहा है। आदरणीय मित्र, याद करिए जिस दिन ये अध्यादेश आए, श्री राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे देश में जिन्होंने विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी ने इन अध्यादेशों का घोर विरोध किया, फिर इन अध्यादेशों को मोदी जी संसद के अंदर लाए, लोकसभा में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने भरपूर विरोध किया, जब वहां बहुमत के आधार पर पारित करवा लिए तो हमने राज्यसभा में माहौल बनाया, मोदी जी के मित्र भी कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो गए। जब लगा ये कानून अब हार जाने वाले हैं, तो ध्वनि मत से जबरन बगैर गिनती करवाए ये कानून पारित करवाए। क्या ये सही नहीं कि उसके बावजूद भी हमारे सांसद 3-3 दिन और 3-3 रात महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे विरोध में पड़े रहे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? क्या ये सही नहीं कि राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा लेकर पूरे पंजाब में गए, हरियाणा में गए, इन कानूनों का विरोध किया? आज भी कांग्रेस और विपक्ष किसानों के साथ है, पर हम 32 किसान यूनियनों की इस मांग का आदर करते हैं जब उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल यहां आएंगे तो भाजपा दुष्प्रचार करेगी, इसलिए हमने उनका आदर करते हुए उनकी बात स्वीकारी है। यह कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई नहीं है, यह विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई भी नहीं है, यह देश के 62 करोड़ लोगों की आजीविका की लड़ाई है। इस देश को मारिए मत, अगर अन्नदाता सामने खड़ा हो गया तो फिर राजगद्दी बच नहीं पाएगी, इसे चेतावनी मानिए।